हेलो बच्चों, आज 29 जून को हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे हमने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा था। हमने पिछली क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का किया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने इमेज कैसे कहाँ बनी, उसकी क्या नेचर है, वो सब मैग्निफिकेशन ये सब सीखा देखा था न्यूमेरिकल्स में। फिर हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। मैंने तुम्हें बताया था कि एक तो बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा फर्क ही है, और दूसरा एक लॉ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में स्नेल्स लॉ था। तो फिर हमने थोड़ा सा आइडिया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का लिया था। तो अब इसमें मैं पिछली क्लास में तुमको एक चीज बता दूं, लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो मैंने जब उसको देखा तो एक जगह मेरे से एक इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये जो था जो मैं ये लॉ सेकेंड लॉ कर रहा था स्नेल्स लॉ, सो मेरे से यहाँ पर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ लिखा था, एंड आर इज द आर इज दी, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये है रिफ्लेक्शन, गलती से लिखा गया था मेरे से, तो ये है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यह इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये थोड़ा सा लास्ट क्लास में करेक्शन था। स्नेल्स लॉ में आई एंड आर होता है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम तो इसमें आगे चलेंगे आज का लेक्चर में। और हमने रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किया, फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो भी हमने समझा था, और हमने ये भी सीखा था कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो दोनों मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग-अलग होती है, और ये चेंज वेलोसिटी ऑफ लाइट अलग अलग होने की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, और उसमें जो रे का पाथ होता है वो डेविएट कर जाता है। एंटर तो करती है दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम में एंटर करती है, पर उसका पाथ जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है या टूवर्ड्स द नॉर्मल, वो भी मैंने तुम्हें बताया ना। तो अब जब हम रिफ्रैक्शन लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है, वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो हम जो है ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्शन है
ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्शन है ये हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्रैक्शन है ये क्या है, रिफ्रैक्शन लिंक्ड है वेलोसिटी से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये भी क्योंकि मीडियम पे डिपेंड करता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेलोसिटी से लिंक्ड है, वो भी मैंने तुम्हें बताया था रेशियो ऑफ वेलोसिटी होता है। सो अगर मैं यहाँ पर, अच्छा इससे पहले मैं तुमको दो चीज बताऊंगा फिर हम आगे बढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन में, दो चीज बताऊंगा। एक होता है डेंसिटी, ये तो तुमने पढ़ा हुआ, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम इसको हम ये भी बोलते हैं मास डेंसिटी, क्योंकि ये डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, मास और वॉल्यूम पे, हम इसको मास डेंसिटी भी बोल देते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। एक दूसरा होता है, क्योंकि अब ऑप्टिक्स में हम देख रहे हैं तो एक ये होगा ऑप्टिकल डेंसिटी, ये डिफरेंट होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट वर्ड है। अच्छा ऑप्टिकल डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर है, इंडेक्स मतलब हम यहां कहें मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस ऑप्टिकली डेंसर। ओके मैंने तुम्हें लास्ट टाइम याद हो एक थोड़ा हिंट दिया था, केरोसिन और केरोसिन का और वाटर का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले देखते हैं। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले देखेंगे, अब इसमें हम लोग जो है इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी रे डायग्राम ड्रॉ किया था, तो ये जो होती है ये हमारी होती है इंसिडेंट रे, थोड़ा सा रिपीट करते हैं इंसिडेंट रे, और ये होती है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ऊपर एयर है, ये ग्लास का एक स्लैब है ए बी सी डी, और नीचे फिर एयर है, स्लैब के बाहर सब चारों तरफ एयर है, और ये जो है ये होती है इमर्जेंट रे, जो इमर्ज होके फाइनली बाहर आ रही है, एयर से इंसिडेंट रे आई, एयर मीडियम से ट्रेवल की, ग्लास मीडियम में एंटर की और ग्लास मीडियम से बाहर आ गई, फिर एयर में आ गई तो इमर्जेंट रे होगी। अब इसमें हमने आपको अभी बता दिया ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। अब मैं आऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, पहले हम समझते हैं थोड़ी सी। देखो वाटर
और ऑयल, कैरोसिन ऑयल। तुम्हें पता है कैरोसिन ऑयल, ऑयल की डेंसिटी कम होती है, पर कैरोसिन जो है मास डेंसिटी कैरोसिन की कम है, पर कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है, मतलब ऑप्टिकली डेंसर है कैरोसिन, बट मास डेंसिटी कैरोसिन की पानी से कम है। अब आइस और वाटर में देखो, ये ठीक है, आइस की डेंसिटी भी कम होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आइस का वाटर से कम है, पर कैरोसिन वाटर में अगर हम देखें तो उल्टा हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमको कई चीजों को एक्सप्लेन करने में बाद में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा आज भी स्ट्रेस दे रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि कहीं भी कभी भी आगे समझने में जरूरत पड़ सकती है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, क्या मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन द मास डेंसिटी ऑफ वाटर, बट ऑप्टिकल, बट ऑप्टिकली, बट लिखते हैं, बट केरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर देन ठीक है, इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। तो ये फैक्ट जो है ना, ये तुमको हमेशा से याद दिमाग में रखना है, ये फैक्ट तुम्हें कई बार यूज हो सकता है। सो ये चीज जो है तुमको हमेशा याद रखनी है। कैरोसिन ठीक है, लेस देन द मास डेंसिटी ऑफ वाटर, बट कैरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, ये हमेशा याद रखना है। मैंने आपको बता दिया इमर्जेंट रे, रिफ्रैक्टरी रे और ये सब क्या होता है। अब हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें, और अभी मैं थोड़ी देर के लिए ये हम कहें कि एयर की बजाय, मैं अभी ये थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये जो है मीडियम वन है, एयर में जो है इसको हम दे देते हैं मीडियम वन, और ये ग्लास जो है इसको हम क्या दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं मीडियम टू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम होता है। अगर अदर मीडियम
एयर है, तो वो मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। सो हम अभी जनरल करेंगे, तो हम ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये, इसका क्या मतलब होता है, म्यू इज द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको पहले तो हम समझ लेते हैं होता क्या, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, विद रिस्पेक्ट टू पूरा लिख देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। ओके, और अगर मैं इसको लिखूं ऐसे म्यू वन टू, टू वन की बजाय वन टू कर दूं, तो क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। अब उल्टा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू क्या मीडियम टू, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क हो गया, ये म्यू टू वन और ये जो है ये। ओके, अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या। अभी तो हमने लिख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस तरह से हम डिनोट करते हैं, अब हम लिखना चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, तो कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, तो ये इक्वल्स टू होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। अब इसी को हम ऐसे लिखें, कैसे इसको हम लिखना चाहें, अगर कि हम इसको लिखना चाहें ऐसे म्यू वन टू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू, उल्टा कर दे, तो ये क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन। ये हो गया हमारा कि मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू वन और टू कैसे लिखना है। अब मैं इसको अगर नाम नंबर दे दूं वन, ये हो गया टू। अच्छा एक चीज है, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी है, सो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नो यूनिट, क्योंकि वेलोसिटी वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम वन एंड टू क्या आएगा, वी कैन से क्या लिख सकते हैं, म्यू टू वन इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू वन टू, कह सकते हैं, एक दूसरे का उल्टा ही तो है, वहां मीडियम वन था या मीडियम टू है, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में ऊपर वेलोसिटी मीडियम टू की थी, वन है, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट हो गए। तो फ्रॉम वन एंड टू हम कह सकते हैं कि ये, अच्छा कह सकते हैं नहीं कह सकते, कोई डाउट। और अगर अब हम आते हैं
अभी अभी तो मीडियम टू एंड मीडियम वन की बात हो रही थी, अभी हम आते हैं कि हमारा मीडियम वन क्या है। जैसा कि ऊपर डायग्राम में है, क्या है हम ग्लास स्लैब के डायग्राम में कि मीडियम वन इज हियर, लेट मीडियम वन इज हियर, तो क्या आएगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एंड दूसरा ग्लास है, ठीक है, इज हियर और मीडियम एंड जो कि ऊपर था एंड मीडियम टू इज ग्लास, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हो गया रिफ्रेक्टिव। मैं इसलिए इसको अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ कि तुमको बाद में कभी कंफ्यूजन ना हो, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये क्या होगा, इक्वल्स टू होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, अच्छा अब हमें ये भी पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वी नो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम या एयर, हम एयर को भी वैक्यूम ही मानते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था वैक्यूम, तो एयर को भी हम यही मानते हैं, सो सबसे ज्यादा होती है इसमें, सो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, सो क्या होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, या इसको ऐसे ऊपर वाले को ही ले लेते हैं और आगे एक्सप्लेन करेंगे, सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, होगा या नहीं होगा, ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा, तो ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो हमेशा मोर देन वन होगा, सो ये तो हो गया, तो अगर तो इसलिए कोई भी मीडियम होगा, वी कैन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू जी ए कैन बी रिटन, क्योंकि क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, सो इट कैन बी रिटन एज एब्सोल्यूट, कैन बी रिटन एज म्यू जी बार, अगर एयर है तो हम सिंपली म्यू जी भी लिख सकते हैं, एंड बी रिटन एज दिस एंड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं लास्ट टाइम भी बताया, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसे ही कोई भी मीडियम होगा उसका एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, सो हमने जितने भी ये ऊपर हमने वो देखे थे टेबल में, ये हमने ऊपर टेबल में देखा था, ये जो टेबल थी हमने टेबल में क्या देखा था, ये सब क्या है, ये सब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, देखो
यहाँ लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं सब एब्सोल्यूट है। ओके मींस अदर मीडियम इज एयर। ये जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए मटेरियल के ये सब विद रिस्पेक्ट टू एयर है। तो मैंने तुम्हें बता दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मीडियम रिवर्स हो जाए तो वो भी रेसिप्रोकल हो जाता है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके सो ये तो हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर। और अब हम आएंगे नेक्स्ट उसमें चैप्टर पार्ट में इस दैट इज स्फेरिकल लेंसेज। हमने पहले स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे, फिर रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझा। रिफ्रैक्शन में हमने समझा कि अगर कोई भी लाइट रे अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी मैंने तुम्हें एब्सोल्यूट सॉरी ऑप्टिकल डेंसर समझा दिया, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक और चीज क्या, इफ एंड ये याद रखना हमेशा, इफ एन इंसिडेंट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम, रेयरर मीन्स ऑप्टिकली रेयरर, रेयरर मीडियम टू अच्छा यही लिख देता हूँ तुम्हें, ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन तब क्या होगा, देन ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रे टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन द रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्ट होगी रिफ्रैक्टेड रे विल, देखो अभी हम ऊपर जाते हैं, आगे मैं नहीं लिखूंगा, पहले हम ऊपर रे डायग्राम समझते हैं फिर दोबारा से, उस दिन भी बताया था फिर समझा दे। देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास, ग्लास कहाँ पर है हमारा, ग्लास जो है ये रहा, ये ग्लास का क्राउन ग्लास लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ग्लास का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये एयर का है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है, सो ग्लास इज डेंसर ऑप्टिकली डेंसर, और एयर जो है एयर से ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर, और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे किधर, ये इंसिडेंट रे आई, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये किधर जा रही है, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स, भी मैंने बताया था नॉर्मल की तरफ जा रही है, देखो वैसे तो इसे सीधा जाना था डॉटेड डॉटेड बना जाके ये नॉर्मल की तरफ चली गई है, तो बेंडेड टूवर्ड्स नॉर्मल, अब यहाँ से ये एयर में जा रही है, मर्ज हो रही है, अब एयर क्या है रेयरर मीडियम है, ये डेंसर है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो जो इसको ऐसे सीधा जाना था अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, ठीक है। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि अगर और क्या हो गया, इफ द इंसिडेंट रे जो है ट्रेवल कर रही है फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, देन द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड
टूवर्ड्स दी नॉर्मल। और दूसरा, दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा इफ एन इंसिडेंट रे, क्योंकि जो रिफ्रैक्टरी रे थी अब आगे जाके वो इंसिडेंट बन जाएगी बाहर निकलने के लिए। तो इफ एन इंसिडेंट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, एक डेंसर वर्ड होता है उसका ऑपोजिट होता है रेयरर, रेयरर मीन्स हल्का। तो ये दो वर्ड है एक दूसरे को ऑपोजिट। तो मीडियम टू रेयर ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर, देन क्या होगा? सो इन ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर टू देन दी रिफ्रैक्टेड रे, जो अब इमर्जेंट जिसे हम बोल रहे हैं इसके लिए तो रिफ्रैक्टेड है, तो रिफ्रैक्ट फाइनली वो इमर्जेंट है, पर देन द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड, रिवर्स हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना दोनों, वन और टू। ये ड्रॉ करने में समझने में आगे बहुत काम आएगा ये दोनों चीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को वन एंड टू। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स तुम समझना, और जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करो रिफ्रैक्शन का तो इसको हमेशा याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नेक्स्ट वो है स्फेरिकल लेंसेज। जैसे स्फेरिकल मिरर्स किए थे वैसे लेंसेज, लेंसेज क्या होंगे? जैसे देखा होगा मैग्नीफाइंग लेंस कॉमन सा होता है ना। तो मिरर तो क्या है? मिरर तो एक तरफ से ओपेक होता है, पॉलिश की होती है। स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, दे आर ट्रांसपेरेंट, आगे पीछे सब दिखेगा उसके, ट्रांसपेरेंट है ना, ओपेक नहीं होंगे, दे आर ट्रांसपेरेंट। अच्छा, फिर ग्लास के बने होते हैं, मिरर भी ग्लास का होता है पर वो एक साइड में पॉलिश होता है इसलिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो ये स्फेरिकल लेंसेज ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसमें भी है कि क्या होगा, एक एक एटलीस्ट इसमें दो सरफेस होती है, तो एटलीस्ट वन सरफेस should be spherical। एक साइड स्फेरिकल जरूरी होनी चाहिए, दूसरी साइड कैसी भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो हमने देखा था कि जो बल्ज आउट होता है उसको क्या बोलते हैं, जो बल्जिंग आउट होता है, जैसे इधर से ये बल्ज आउट हो रहा है तो ये क्या शेप होती है, बल्ज आउट कॉन्वेक्स होती है, ये क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। अगर दूसरी साइड से भी बल्ज आउट होगा तो ये दोनों साइड से कॉन्वेक्स होगा, अगर एक साइड से ऐसा है कॉन्वेक्स है
दूसरी साइड से प्लेन भी हो सकता है, प्लेन प्लेन ग्लास सरफेस ऐसा भी हो सकता है, या इधर से प्लेन हो सकता है, इधर से ऐसा हो सकता है। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड प्लेन एक साइड कॉन्वेक्स। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों को अगर मैं लिखना चाहूँ उनका नाम तो मैं लिख सकता हूँ, दोनों क्या है, ये दोनों किस टाइप के हैं, ये और ये है प्लेनो कॉन्वेक्स। ऐसे ही एक साइड कॉन्वेक्स हो सकती है, ठीक है, और दूसरी साइड जो है ऐसे भी हो सकता है। तो क्या हो गया इसमें, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव, ऐसा भी हो सकता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स ऐसे भी। फिर एक होगा दोनों साइड से कॉनकेव, एक ऐसे ऐसे, ये क्या हो गया, ये कॉनकेव हो गया, कॉनकेव दोनों साइड से कॉनकेव, ये कॉनकेव शब्द जो अंदर की तरफ होता है। अब क्या हो गया, कॉन्वेक्स क्या होता है, सेंटर में थिक होता है, कॉनकेव क्या होता है, ऊपर थिक होता है, नीचे बीच में सेंटर में थिन होता है। कॉनकेव थिन, थिनेस्ट जो है सेंटर में होता है, और कॉन्वेक्स जो है थिकेस्ट होता है सेंटर में, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अच्छा, अब एक चीज का याद रखना जो तुम्हें जस्ट इसको मतलब कहीं तुम्हारी रिमेम्बरेंस के लिए, कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ या नेचर ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज की बजाय हम क्या लिख देते हैं, जो नेचर ऑफ इमेज फॉर्म इन मिरर, कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होती थी ना, कॉनकेव मिरर में याद करो, जो नेचर ऑफ इमेज कॉनकेव मिरर में फॉर्म होती थी, कॉनकेव मिरर नेचर ऑफ इमेज फॉर्मड इन कॉनकेव मिरर, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, जो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म होती थी वो क्या होती थी, आर सिमिलर टू द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म इन कॉन्वेक्स लेंस। आगे अब मैं दिखाऊंगा तुमको, तो जो कॉनकेव मिरर में जिस टाइप की इमेज बनती थी मोर और लेस सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी। तो हम वहां पे क्या कहते थे, हम वहां पे कहते थे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर आर कन्वर्जिंग कहते थे, और कन्वर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, अब वहां जो हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए कहते थे वो यहाँ पे कॉनकेव लेंस के लिए कहेंगे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। तो ये एक थोड़ा सा हिंट दिया मैंने तुम्हें, कॉनकेव मिरर वाली चीजें यहाँ इसमें आ जाएंगी, किसमें आ जाएंगी, कॉन्वेक्स लेंस में। अब
कॉन्वेक्स लेंस में या कौन होता क्या है, देखो इमेज कैसे बनती है। ये देखो ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है सेम, वहां पे जिसको हम पोल कहते थे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पर पोल होता था, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में क्या होता था, यहाँ अगर मैं लिखूं तो मिरर में क्या होता था, मिरर में पोल होता था पी, यहाँ पे हो जाएगा लेंस में क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ओ से लिखेंगे। तो ये मेरा ओ है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और बाकी सब वही है। इसमें भी फोकल फोकल फोकस होगा, इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, पर इसमें दो सरफेस है, दोनों साइड कॉन्वेक्स है, तो इसमें दो फोकस होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, है ना, एक उस सरफेस का, एक साइड की सरफेस का, दूसरा दूसरी साइड की सरफेस का। जनरली दोनों साइड के फोकल लेंथ हम सेम लेके चलते हैं, जो हम करेंगे उसमें फोकल लेंथ दोनों साइड का सेम ही होगा, अलग अलग का नहीं हम खास करेंगे। अब इसमें वही होगा, अगर मान लिया इमेज फॉर्म करनी है तो ये कोई ऑब्जेक्ट एक लेंगे, कहीं पे भी हम ले सकते हैं, तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में एक ऑब्जेक्ट लिया, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, इस ऑब्जेक्ट से हमें वैसे ही करना है, इंसिडेंट रे निकालनी है, तो रे डायग्राम में वही प्रॉपर्टी यूज होंगी, क्या रे डायग्राम में जो मिरर के केस में था, क्या कि अगर कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, यहां पे रिफ्रेक्ट करेगी, अगर कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्रेक्शन पास थ्रू फोकस, फोकस से पास करेगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा गलत है, तो यही है, यहाँ इधर पास हो क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अच्छा, फिर कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे सीधी चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जो है सीधी पास हो जाएगी, तो अच्छा अब इसमें अगर कोई फोकस से पास हो रही होगी तो वो क्या करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी आफ्टर रिफ्रेक्शन। मान लिया ये कोई रे है, ये फोकस से पास हो रही है, यहाँ टकराएगी तो ये ऐसे चली जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो लाइक दिस वही चीजें यहाँ यूज होंगी जो मिरर में हमने ड्रॉ किया था, रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो भी रूल्स हैं वो सेम यहीं पे यहाँ पर भी यूज होंगे। सो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया, अब बेटर होगा कि तुम जो है पुराने जो मिरर के हमने ड्रॉ किए थे रे डायग्राम्स और उनको कैसे ड्रॉ किया था वो हमने सीखा था लास्ट क्लास में, तो उसको एक बार अच्छे से दोबारा आगे बढ़ने से पहले उसको अच्छे से दोबारा देख लेना, ताकि हम कल जो है जब आगे करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाए कि लेंसेज में जो मिरर जो भी इमेज बनेंगी वो किस टाइप से बनेंगी, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आगे पढ़ते रहोगे और मेहनत करते रहोगे।